प्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासी सांस्कृतिक रीति रिवाज के तहत यह होली के 7 दिन पहले से भगोरिया हाट का पर्व मनाया जाता है, जो कि सबसे अधिक आदिवासी में उत्साह और उमंग के तौर पर यह भगोरिया हाट होता है। हर साल एक दिन मेला लगता है भगोरिया का, इसमें युवा लोग अधिकतर आते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। यह मतलब कितने वर्षों से आप ये मेला देख रहे हैं? हम करीब 10 वर्षों से इस मेले का आनंद ले रहे हैं और हम हर बार ये मेला चूकते नहीं, हर बार। झाबुआ जिले के ग्राम भगोर के राजा ने यह शुरुआत की थी, जो कि होली के पर्व में हर गांव हर हाट में आदिवासियों से मुलाकात के लिए होली के पर्व पर यह हाट में आदिवासियों की मुलाकात के लिए जाता था। इसलिए उस समय आदिवासियों ने भगोर के राजा के हाट के नाम से यह प्रसिद्ध करा और उसके आधार पर धीरे धीरे यह भगोरिया हाट के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। इसमें सभी लोग अच्छा मानते हैं और खास करके ये आदिवासियों के लिए ये पर्व ज़्यादा मनाया जाता है। इसमें सभी आदिवासी मिलते जुलते हैं, झूला झूलते सब कुछ करते हैं। इसमें बाहर के आसपास के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और ये भगोरिया पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये होली पे ही मनाया जाता है। जैसे ढोल मांदल है, इनमें मतलब लोग एक रैली के रूप में निकाल के नाच गान करते हुए ताड़ी, और इसमें अधिकतर ताड़ी का उपयोग करते और अन्य प्रकार की शराब का उपयोग करके नाचते हुए रैली निकालते हैं। लोग कई भी मजदूरी करने गुजरात है बाहर कई भी जिलों में दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से भी लोग पैसा खर्च करके चले आते हैं और अपने भगोरिया में अपना उत्साह जाहिर करते हैं। इसे आदिवासी भाइयों ने और आदिवासी समाज ने इसे काफ़ी उत्साह के रूप में अभी मनाया जाता है, जो कि अधिक से अधिक पूरे मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में काफ़ी उत्साह के रूप में यह भगोरिया हाट और पर्व को मनाया जाता है। खुशी से भगोरिया देखने के लिए उत्साहित होते हैं, तो मैं भी भगोरिया देखने ही आया हूँ। यही महत्व है कि भगोरिया देखना एक उत्साह रहता है इसका। मैं कुर्बान डामोर, इंडिया अनहट के लिए।